ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। 20, 21, 22, 23 इसका अनुवाद कौन पढ़ेगा? पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा 21। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा 22। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। 23। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। 24 तो अपने को पढ़ना है ना आज? जी जी, आज की पढ़ना। ठीक है, तो हमने देखा कि देवताओं की पूजा कौन करता है? जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं, ठीक है, और वो फाइनली देवताओं के लोकों में जाते हैं। तो पहले 2-3 श्लोक बताए देवताओं के बारे में कि देवता कैसे जो है ना मेरे द्वारा ही दी हुई चीजों को देते हैं, और देवताओं का जो तुरंत मिल जाता है भौतिक इच्छाओं के कारण जो मारे गए हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे अपने वर को मांगते हैं, है ना। इस प्रकार देवताओं के पास जो जाते हैं वो भौतिक इच्छा वाले जाते हैं और अल्प बुद्धि वाले जो होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, और उनके द्वारा जो दिया जाता है वो भी देने वाला कौन है? भगवान ही देने वाले होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा कि किस प्रकार और उनकी देवताओं की पूजा करने से देवताओं के लोकों में ही निवास मिलता है, मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है उन्हीं के लोकों में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना अव्यक्तवादियों के बारे में चर्चा हो रही है। अभी तक अल्प बुद्धि वालों के में चर्चा हो रही थी, अब बुद्धिहीन के बारे में चर्चा हो, ठीक है। 7.24 यहाँ कहते हैं भगवान, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतम अव्ययम अनुतमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। अब भगवान क्या बता रहे हैं, जो बुद्धिहीन है जिसके पास टोटल लॉस है, जिसके पास बुद्धि रहित है, अबुद्धया अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया, अबुद्धया जिसके यहाँ बुद्धि है ही टोटल। और श्लोक नंबर 23 और 20 में देखेंगे अपन ने, भगवान ने वहां कहा है 23 में अल्प बुद्धि, है ना, उसमें कहेंगे अल्प बुद्धि वाले, और 20 में भी मेरे ख्याल से अल्प बुद्धि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब भटके हुए हैं, उनकी बात चली थी, और यहाँ पे अबुद्ध है जिनकी पास बुद्धि है ही नहीं उनकी बात चल रही। ऐसे लोग क्या सोचते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया, मतलब मैं पहले अप्रकट था फिर बाद में प्रकट हुआ, है ना। अव्यक्तम व्यक्तिम, है ना, उसको बता रहे हैं कि माम अबुद्धया, मतलब मेरे बारे में ऐसा लोग जो जिनकी बुद्धि नहीं है वो ऐसा सोचते, पहले मैं अव्यक्त था फिर बाद में व्यक्त हो गया। परम भावम अजानंतो, मैं तो परम हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, है ना,
मेरी इस जो है ना सत्ता भावम मतलब सत्ता को नहीं जान सकते। अजानंतो माम अव्ययम अनुत्तमम, मतलब जो मैं अक्षय और सर्वो सर्वश्रेष्ठ हूँ, अनश्वर हूँ, उसको कोई नहीं जान पाता। ये लोग जो है ये नहीं जान पाते, है ना। ठीक है, तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। ये अव्यक्तवादी की सोच के बारे में इसमें वर्णन है कि अव्यक्तवादी जो होते हैं ना, निराकार भगवान को मानते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को सरासर डिक्लाइन करते हैं। हमने एक चीज ये पहले भी पढ़ चुकी है, कहाँ पढ़ी है, कौन भगवान को जो है ना नहीं मानता है, ऐसे लोग। हमने पढ़ा है ना चार दुष्कृति लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते, कौन कौन से लोग हैं जो नहीं आते। कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी बताइए। बताइए प्रभु जी, कौन है जो चार लोग नहीं आते भगवान की शरण में। कौन बताना चाहेगा। मैं बताऊं प्रभु जी। यस बताइए प्रभु जी। नराधाम नराधाम असुर मूल और जिनके ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। यस एकदम सही कहा प्रभु जी ने। चार लोग होते हैं, जो एक होता है नरों में अधम, और एक होता है मूढ़ व्यक्ति जो बेवकूफ हो गया है, और जो माया अपहृत ज्ञाना जो अल्प ज्ञानी होता है जिनका माया ने हर लिया है ज्ञान, और असुर लोग जो एथिस्ट होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ये चार प्रकार के लोग भगवान को नहीं मानते, हमने पढ़ा था। यह सत्यम श्रीवास्तव जी ने भेज दिया है चारों का। तो ये चार लोग भगवान की सत्ता को सरासर डिक्लाइन कर देते हैं, वो उनकी शरण में नहीं जानते हैं। तो जो माया अपहृत ज्ञाना है ना, वो हैं ये लोग, राइट। अल्प बुद्धि वाले वो उनका ज्ञान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो बुद्धिहीन है, उनके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देवताओं के उपासक को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि परमेश्वर को का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भागवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे। तो दो श्लोक यमुनाचार्य द्वारा कहे गए हैं। त्वाम शील रूप चरितो परम प्रकष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृत्यः प्रभवन्ति बोधयम्। हे प्रभु, वासुदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ सकते। कौन नहीं समझ सकते? जो लोग रजो और तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त। ठीक है, ये चार चीजें बता गई, रजोगुणी और तमोगुणी, आसुरी और अभक्त। ये लोग चार लोग भगवान को कभी नहीं समझ सकते। हमने पढ़ा था भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए। 18.55 में भगवान ने बताया है कि मेरे को सिर्फ जो है ना भक्ति से जाना जा सकता है, राइट। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्त्वो ज्ञात्वा विशते तदंतरम
केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। 18.55 पेज नंबर 499। क्लियर कट भगवान ने बताया है कि मेरे को कैसे जाना जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, है ना। और एक ब्रह्म संहिता का श्लोक आता है, श्लोक नंबर 38, है ना। इसमें क्या कहते हैं कि प्रेमांजन छरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत स्वरूप सुंदरम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मतलब क्या, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, जो प्रेम का अंजन लगाते हैं अपनी आंखों में, प्रेम भाव रखते अपने अंदर में और हमेशा भक्ति में लगे रहते, भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतों, जो ऐसे संत हैं जो प्रेम के द्वारा भक्ति से दिन रात मेरा कीर्तन और लगे रहते मेरी सेवा में, उनके सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उनके सदैव हृदय में मेरा वो दर्शन प्राप्त करते। संतैव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उनके हृदय में हमेशा मेरा स्वरूप स्थित हो जाता है। यम श्याम सुंदरम चिंत स्वरूप गुणारू, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। कौन सा रूप स्वरूप भगवान का वहां पे प्रकट होता है? श्याम सुंदर का, दो भुजी हाथ वाला भगवान का, जो श्याम सुंदर के रूप में है, वो वाला स्वरूप उनके हृदय में प्रकट होता है। और गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के जो जो प्रेम से भगवान की भक्ति करते, भगवान स्वतः ऑटोमेटिकली उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो जितने तर्क वितर्कवादी होते हैं, चाहे कितना ही क्यों ना भागवत गीता पढ़ने वाला हो, चाहे कितना ही क्यों ना कोई भी शास्त्र पढ़ने वाला हो, वेदों को जानने वाला हो, अलग अलग पुराणों को, उपनिषदों को जानने वाला हो, लेकिन जब तक उसकी भावना सरेंडर वाली नहीं होगी ना, वो भगवान को नहीं समझ सकता। श्रील प्रभुपाद कहते थे, जो दूध होता है ना, दूध में अगर कोई सांप जो है ना मुंह मार ले तो वो जहरीला दूध होता है। दोनों दूध रखे, एक में सांप ने मुंह मार लिया, एक ने नहीं मारा, तो कौन सा दूध अच्छा है जिसमें सांप ने मुंह नहीं मारा? वो आपको एक बार ताकत देगा, लेकिन सांप का मुंह मारा वाला दूध जो है ना, वो आपको जहर दे देगा, वो आपको नाश कर देगा। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते, जो अभक्त होते हैं ना, जो भगवान को सरेंडर नहीं है, उनके मुख से वेदों के वचन और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का कथा सुनना, मतलब जिसने सांप का, सांप ने जिस दूध को मुंह मार लिया उसको पीना, उसको ग्रहण कर, और भक्तों से मुख से सुनना, मतलब साफ शुद्ध दूध को ग्रहण करना। इतना बड़ा उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने डिफरेंस बताया। क्योंकि जो तर्कवादी है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बताएगा, कहीं ना कहीं वो आपको भगवान से दूर ही ले जाएगा। और जो सरेंडर है, जिसके अंदर खुद प्रेम है, वो आपको प्रेम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आम के अंदर से अगर उसका जूस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आम रस निकलेगा। मौसम्बी के अंदर से जूस निकालेंगे तो मौसम्बी का रस निकलेगा, है ना। कलिंदर के अंदर से निकालेंगे तो उसी का रस निकलेगा। उसी प्रकार जिसके अंदर जो होता है वही वो प्रदान कर सकता है। अगर उसके अंदर भक्ति होगी तो भक्ति प्रदान कर सकता है। भगवान का स्वरूप जिसने देखा होगा, भक्त होगा तो भगवान को जानेगा, समझेगा, तो आपको भी वो ज्ञान दे पाएगा। अभक्त होगा तो आपको भी अभक्त ही बना के छोड़ेगा। इसलिए हमको ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए जो हमारे गौड़े ब्रह्म परंपरा के हैं, उनसे, उन्हीं से सुनना चाहिए, बाकी लोगों से नहीं सुनना चाहिए। ब्रह्म गौड़ वैष्णव परंपरा होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है ब्रह्म संहिता में, आगे बताते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया, केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को समझ केवल भगवत भक्त से जाना जा सकता है। तो हमने डिस्कस किया, अतः श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते, अभी तो वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रही हैं,
जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर को साकार रूप में समझ पाना संभव नहीं है, है ना, वो नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो है ना स्वरूप के भगवान का कैसे समझा जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य है ना, सूर्य की रोशनी घर के अंदर आ जाती तो बोलते सूर्य आ गया, सूर्य निकल गया, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आता है तो हम कहते हैं सूर्य आ गया। तो ये एक दर्शन जो होता है ना, ये वेदांत में ब्रह्मवादियों के लिए कहा गया है कि ब्रह्मवादी की सोच ऐसी रहती है सूर्य को प्रकाश समझते हैं, वैसे ही भगवान को भी अव्यक्त रूप में वो खाली प्रकाश के रूप में जानते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है ना परमात्मा रूप में वो सूर्य को एक प्रकार से वो उनका स्वरूप देख सकते हैं, है ना। तो उस प्रकार से परमात्मा का जो है ना ज्ञान होना, ये मतलब सूर्य को देखना और सूर्य के तत्वों को समझना, अंदर क्या है उसके पूरी आइडेंटिटी, उसके पूरे एलिमेंट्स को समझना, ये हो गया भगवान के स्वरूप को समझना। ठीक है, तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक तो खाली लाइट, एक सूर्य से लाइट निकल रही ये समझना, और स्वयं सूर्य को समझना। ये तीन तरह से भगवान को समझा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार होता है, एक होता है ब्रह्मवादी, दूसरा होता है परमात्मा जहाँ हर कहीं बैठे हुए हैं वो, और तीसरा होता है भगवान का स्वरूप स्वयं अपने पूरे फुल फॉर्म में भगवान। ठीक है, तो इसमें एक श्लोक का वर्णन है 9.11 का, इसको खोलेंगे। 9.11 पेज नंबर 339, इसमें कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जो मूर्ख है, भगवान कह रहे हैं मेरे अवतार लेता हूं मैं तो वो लोग नहीं जान पाते और वो लोग मेरा उपहास करते हैं। सब लोग जो है ना नहीं मानते भगवान कृष्ण को, राम को। कितने लोग बोलते हैं अरे कृष्ण का जीवन कितना दुखमय था, बचपन से दुखी दुखी देखा उसने, बेचारे ने माँ बाप को छोड़ दिया, जेल में पैदा हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो दूसरे माँ बाप भी छूट गए, इस प्रकार जो है ना बड़ी मुश्किल हुई, 17 बार जो है जरासंध ने उनके ऊपर जो है ना प्रहार किया युद्ध के लिए, बार बार उनके ऊपर लड़ाई की और इनको जो है ना बेचारों को फाइनली भगना पड़ गया अपने युद्ध को छोड़ के, रण छोड़ दास बन गया। फिर वो जरासंध जो था ना कंस का ससुर था, ठीक है, वो बार बार लड़ाई करने आता था क्योंकि उनकी बेटियों को विधवा कर दिया था कृष्ण ने, कंस की पत्नियां विधवा हो गई थी, ठीक है, इसलिए वो युद्ध करने आता था। यहाँ पे एक और जो है ना भागवत श्रीमद भागवतम के श्लोक की वर्णन है, अथापि ते देव पदाम भुजयम भुज प्रसाद प्रसाद लेशानुगृहति एव हि जानाति तत्वं भावान महिम महिमनो न च अन्य को एको अपि चीरम विचिन्वन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी आपकी महानता को समझ सकता है। देखो क्या लिखा है, अगर आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। जो लोग अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं ना भगवान को, कि मैं अपनी बुद्धि से समझ लूं, तो कभी नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि, एक आपने सुना होगा सबने, कूप मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय किसी को याद है क्या? याद है क्या कूप मंडूक न्याय? ठीक है, कुछ दिन पहले बताया था शायद प्रभु श्री आपने। हाँ, मैं बताऊंगा तो सबको याद आ जाएगा, लेकिन नाम से याद नहीं आ रहा। तो क्या होता है कूप मंडूक न्याय, मतलब कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेंढक और न्याय,
कूप मंडूक न्याय, मतलब एक कुएं के मेंढक की सोच के हिसाब से न्याय। तो एक कुआं था जिसमें मेंढक रहते थे। एक मेंढक क्या हो गया, गलती से चला गया समंदर में, आया होगा कोई बाल्टी वाल्टी भर के उसको लेके गया होगा समंदर में, फिर वापस दोबारा आ गया वो उसी बाल्टी में समंदर से मेंढक कुएं में। तो उसके दोस्तों ने पूछा तू कहाँ चला गया था इतने दिन, तो बोले मैं पता नहीं आपको बताऊं कैसे इतने बड़े जगह में चला गया था, इतना जली जल था वहां पे बता नहीं सकता मैं। तो बोले कितना जल, दूसरे लोग बोलते जो कुएं के, बोले इससे ज्यादा, बोले इससे तो बहुत ज्यादा, बोले कितना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, बोले नहीं, उससे भी ज्यादा, बोले 50 गुना, बोले नहीं, उससे भी ज्यादा, बोले 100 गुना, बोले नहीं, उससे भी ज्यादा, बोले पागल है क्या, इतना पानी कहाँ से हो सकता है, तेरा दिमाग खराब है क्या, बोले 100 गुना से भी ज्यादा पानी, बोले इससे भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो अपनी व्यक्ति नहीं कर पाए कि कितना ज्यादा, और जो सुनने वाले वो उसको बोले पागल है, इसको समझता नहीं इतना पानी कहाँ से आ जाएगा। तो ये होता है कूप मंडूक न्याय, क्योंकि जो जैसी सृष्टि, जो जैसी स्थिति परिस्थिति में रहता है ना, उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। हमारी सोच भी ऐसी होगी जैसा हमने बचपन से देखा सुना समझा और ज्ञान प्राप्त किया, वैसी सोच हो जाएगी। तभी कहते हैं ना, भगवान के बारे में बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, लॉजिक से यही समझा जा सकता है कि लॉजिक से भगवान को नहीं समझा जा सकता है ना, तर्क से कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान तो अनादि है, वो जो अनलिमिटेड है उसका क्या लिमिटेशन, उसका क्या, अपन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते जो खुद अनलिमिटेड है। ठीक है, तो भगवान को तर्क से नहीं समझा जा सकता, चाहे कितने ही तुम वेद, चाहे कितने ही क्यों ना शास्त्र पढ़ लो, वो तो जब तक सरेंडर की भावना नहीं आएगी नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। तो भगवान को समझने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, है ना, क्या कहते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के पहले पहले श्लोक में कहते हैं वो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम, श्रेयस श्रेय कैवर चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णम अमृत स्वादनम, स्वार सर्वात्म स्थापनम, परम विजयेत श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ, विद्या रूपी वधु को विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान सरस, सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। तो श्री कृष्ण का जो कीर्तन है ना, वो आपकी जीवन में विद्या लाता है, विद्या वधु जीवनम। विद्या कहाँ से आएगी, ज्ञान कहाँ से आएगा, ये संकीर्तन करने में से आएगा। हर पद पद पे, पद पद पे, प्रति पदम पूर्ण अमृत स्वादनम, एक एक पद पे जैसे जैसे इस कीर्तन को करेंगे ना, अमृत का स्वाद होना चालू हो जाएगा, जीवन में अमृत लगेगा, अरे वाह मैंने ये अभी तक छोड़ कैसे दिया था। तो ये जो है ना, संकीर्तन करने से आदमी को विद्या आती है, तब ज्ञान आता है कि भगवान है कौन, कैसे हम भगवान के जो है ना अंश हैं, किस प्रकार भगवान की सृष्टि चल रही है, किस प्रकार ये माया सबको पकड़ के रखी है। हमने पढ़ा था ना, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। माया के प्रकोप से, चुंगल से छूटेंगे कैसे, जब भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे, भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे, तब माया आपको छोड़ेगी, माया छोड़ेगी तब आपकी बुद्धि खुलेगी, क्योंकि माया ने ढक के रखा था बुद्धि को। अब माया के जब चुंगल से छूटेंगे तब बुद्धि काम करना चालू करेगी, तब तो समझ में आएगा अरे बाप रे मैं कर क्या रहा था।
फिर समझ में आएगा कि भगवान कैसे हैं, माया किस प्रकार सबको फंसा के रखी अपनी देवी शक्ति में, इल्यूजन में, भ्रम में, तब जाके भगवान को समझ पाएंगे। और भगवान को समझ भी नहीं पाएंगे, भगवान का बस ये है कि अस्तित्व को नकारेंगे नहीं, भगवान है और उनको हम शरणागति करते हैं, ये समझ पाएंगे। बस भगवान को समझना तो इम्पॉसिबल है, ना के बराबर। ठीक है, तो एक और इसमें तर्क आता है, जैसे भगवान कहते हैं अहम बीज, हरे कृष्णा, अस्तिकता से वास्तविकता में आ जाएंगे फिर, नास्तिकता से हटकर अस्तिकता से, और अस्तिकता से के साथ वास्तविकता में। ठीक है, तो भगवान कहते हैं अहम बीज पदा पिता, मैं सबका बीज देने वाला पिता हूँ। तो जो हमारे पिता होते हैं, अगर कोई बोले कि मेरे दादा के दादा जो थे ना निराकारवादी थे, तो ये क्या संभव है? कोई बोले मेरे ना पांच पूर्वज पीछे जो थे वो निराकारवादी थे, हमने देखा नहीं, फोटो नहीं हमारे पास, हमने सिर्फ सुना, इसका क्या मतलब है निराकारवादी थे क्या? साकार से ही साकार निकलता है, निराकार से कभी साकार नहीं निकलता है। तो भगवान स्वयं साकार हैं, इसलिए ये प्रकृति, ये सृष्टि भी साकार है, हम सब साकार हैं। भगवान निराकार होते तो हम भी निराकार होते। तो जो राम कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, ये उनके बारे में चर्चा चल रही है। वो भगवान को क्या मानते हैं कि वो पहले निराकारवादी थे, है ना, ठीक से नहीं जानते हैं, फिर बाद में उन्होंने स्वरूप धारण किया। ऐसा नहीं है, गलत बात है ये सारी की सारी। इसमें एक श्लोक आता है 10.03, उसको पढ़िए, बोलते हैं। इसमें कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अजन्मा अनादि और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, वही एक्चुअल में मोह रहित है और सभी पापों से मुक्त। तो भगवान जानबूझ के अपने आप को ना ढक देते, नहीं अपने अपने स्वरूप को प्रकट होने नहीं देते। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम, अभी पढ़ा हमने 9.11, कौन नहीं जान पाता, मूढ़ जो बेवकूफ है वो नहीं जान पाते, और भगवान उसके सामने ढक देते अपने आप, प्रदर्शन भी नहीं करते अपना कि वो समझ सके मुझको, क्योंकि भगवान चाहते भी नहीं ऐसा हो, भगवान अपनी लीला करके चले जाते चुपचाप। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं, पेज नंबर 294 में। इसमें कहते हैं 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कहा गया कामस्तस्तु हैतृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग काम इच्छाओं के अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 7:20 में हमने पढ़ा, जिनकी बुद्धि काम इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। उसके बाद एक और श्लोक में वर्णन 23 वर्णन है, देवान देवयजो यान्ति भद्भक्ता यान्ति माम अपि। 7.23 में कहते हैं, देवताओं के उपासक उनके लोकों में जाते हैं, जो कि सेम टू सेम वर्णन है 9.25 में भी, यान्ति देवरता देवान पित्रान यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज मत याजिनोपि माम, है ना। भगवान को अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। ठीक है, इसके बाद वाले पैराग्राफ में कहते हैं, अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। तो ये जो इनकी सोच है ये एकदम गलत है, क्योंकि भगवान जो है ना खुद साकार है, इसलिए हम सब भी साकार हैं। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का रूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद की पुष्टि कहती है कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यास्यात्, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। तो भगवान की खुद की हमने उस दिन भी पढ़ा था कि जो समो अहम सर्वभूतानां, है ना, न मे द्वेषो अस्ति न प्रिये, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम। 9.25 में भगवान कहते हैं
कि मैं सबके लिए समभाव हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिय हूँ और वो मेरे लिए प्रिय है। हमने पढ़ा था कि जो साकारवादी होते हैं ना, जिनका स्वरूप होता है, उनमें ये भाव होता है कि मैं थोड़ा सा किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लूं। जो निराकारवादी होगा, जो अलग से जिसका स्वरूप नहीं होगा, वो सबके लिए समान चलेगा। जैसे एक ब्रह्म है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये सबके लिए समान है, किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं करता, किसी के लिए कम नहीं करता। वैसे ही भगवान भी अगर ब्रह्म टाइप के होते, निराकारवादी होते, तो सबके लिए सेम रूल्स लागू करते। लेकिन भगवान कहते हैं मैं उनके लिए प्रिय हूँ जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, और मैं उनका मित्र हूँ, वो मेरे मित्र हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका मतलब उनका स्वरूप है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 25 में। इसमें कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, सबको याद रहना चाहिए। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं हर कहीं, मैं योग माया के द्वारा उनको आच्छादित कर देता हूं, उनकी बुद्धि को, जिन जिन के सामने मेरे को प्रकाशित अपने आप को नहीं करना, तो उनकी बुद्धि क्या होती है, माया के द्वारा ढक जाती है, समझ नहीं पाते भगवान को कि भगवान है। ठीक है, मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो मुझको जान नहीं पाते हैं। लोको मम अजम अव्ययम, मैं जो अविनाशी हूँ अव्यय हूँ इसको मूर्ख नहीं समझ सकते, और ऐसे लोगों को मैं योग माया द्वारा आच्छादित कर देता हूँ उनकी बुद्धि को और अपने आप को ढक लेता हूँ, है ना। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो जिस समय महाभारत चल रही थी, उस समय भगवान कृष्ण अपनी कृष्ण की लीला में आए थे, और यहाँ पे उन्होंने पूरी लीला की थी 128-127 वर्षों तक की। इन बिटवीन हमने देखा कि लोगों, कई लोग थे जिनको मालूम था ये कृष्ण भगवान है, जैसे भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह जब राजसू यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर का, तब उसमें किसी एक को ऐसा पुरुष बनाया जाता है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, है ना, जिसको सबसे उत्तम बनाया जाता है। तो उसमें भीष्म ने कृष्ण का नाम रखा था, और कृष्ण को उन्होंने पूजने योग्य बनाया था उस राजसू यज्ञ में। तो उस जब यज्ञ हो रहा था, बाकी सब तो स्वीकार कर लिया, ऋषियों ने स्वीकार कर लिया, मुनियों ने स्वीकार कर लिया, सब श्रेष्ठ गण जितने भी आए थे उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन शिशुपाल ने स्वीकार नहीं किया। शिशुपाल आके उनको बहुत उटपटांग बोला था, ये गोपाल है, बोले गौओं के साथ रहने वाला है, ये चरवाने वाला है, इसको क्या तुम लोग पूजने लायक बना रहे हो, ये तो साधारण मनुष्य है। वो 100 गालियां दिया था भगवान को। भगवान ने चुप थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं इनके मुख से 100 अपशब्द सुन लूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं सुन पाऊंगा। फिर जैसे 100 हो गए, तब भगवान ने बोला कि अब तू चुप कर, अब तेरा अंतिम समय आ जाएगा, नहीं तो मैं जो है ना तेरा विनाश कर दूंगा। तो जब उसने 101 बोला, तब भगवान ने फिर उसको सुदर्शन से उसका सर अलग कर दिया, शिशुपाल का। तो शिशुपाल भगवान को नहीं समझ सका, क्यों, क्योंकि उसकी बुद्धि योग माया के द्वारा आवृत हो चुकी थी। दुर्योधन को भी जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था ना, तब भी वो नहीं समझ पाया। जब भगवान मध्यस्थता करने के लिए गए थे, तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था दुर्योधन को,
दुर्योधन बोलता है तुम क्या मुझे मायावीर हो, तुमने अपनी माया से मुझे क्या ये सब इल्यूजन पैदा कर रहे हो, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारे को, मैं जंजीरों से जकड़ के बंदी बना दूंगा। तो वो भी नहीं समझ सका था। अरे वो तो छोड़ो, इवन उनकी माता यशोदा मैया नहीं समझ सकी जब मुंह के अंदर उन्होंने ब्रह्मांड को देख लिया था। जब स्तनपान करा रही थी यशोदा मैया, तब उन्होंने मुख खोला, जब देखा अरे माटी खाए लाला, मुंह खोल क्या खाया तू, देखूं मैं तो पूरे ब्रह्मांड को देखा, और उस ब्रह्मांड के अंदर देखा एक पृथ्वी लोक है, उस पृथ्वी लोक में एक पेड़ है जिसके नीचे स्वयं एक यशोदा और उसके गोद में लाला बैठा है। वो देख के चकरा गई, ये क्या देख रही हूं मैं। फिर उन्होंने जो है ना, फिर उनको योग माया ने फिर ढक लिया, बोले नहीं नहीं मैंने कुछ गलत देख लिया, नहीं नहीं बंद कर मुंह, चल तू दूध पी। तो भगवान इस तरह से जो है ना जो करते हैं, उनकी योग माया उनको आवृत कर देती है कि नहीं समझने देती है कि कौन है भगवान। ठीक है, तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए हृदय दृश्य थे, तो अब से सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। किंतु वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। वही हमने डिस्कस किया कि कौन कौन समझता था। पांडव समझते थे, कुंती समझती थी, भीष्म समझते थे, लेकिन बाकी सब लोग नहीं समझते थे। विदुर समझते थे, धृतराष्ट्र नहीं समझते थे, दुर्योधन नहीं समझते थे, कौरव नहीं समझते थे। तो ऐसे लोग थे जो भगवान को मानते थे और कुछ लोग भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया से के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हम होमवर्क भी दूंगा मैं आज, 1.8.19 बस मैं पढ़ रहा हूँ है ना, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है 1.8.19 है ना। इसमें कहते हैं माया जवनिका आच्छानम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धारो यथा। मतलब सीमित इंद्रिय ज्ञान पर, ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्प ज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। नटो नाट्यम है ना, नाटक में जो नटवर जो उसका रोल प्ले करता है वो इस प्रकार से अपने वेशभूषा धारण करके आता है कि उसका स्वरूप ढक जाता है, वो अपने आप का ओरिजिनल चेहरा छुपा देता है। वैसे ही कुंती माता बता रही कि आप भी इस धरती पे आते हो तो आप अपने आप को ढक लेते हो आपकी माया की शक्ति के द्वारा, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं तो समझ गई हूँ बोलती है, इसलिए वो दुख मांगती है। जब जब हम दुखी थे तब तब आप हमारे साथ रहते हो, इसलिए आप हमारे साथ ही रहो, हमको दुख दो लेकिन साथ आपका चाहिए हमको। तो कुंती माता जो है ना इस प्रकार की प्रार्थना करती है 1.8 में, पहला कैंटो अध्याय 8। इसका होमवर्क है 18 से लेके 43 तक के श्लोक को पढ़ना है ना। उसमें कुंती माता बताती है भगवान के बारे में। 18 में बताती है श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों के से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। हर वस्तु के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं और हर कहीं स्थित हैं और निर्लिप्त हैं, है ना, और अदृश्य हैं। कितने सारे गुण हैं भगवान के, भगवान दिखते ही नहीं है। ठीक है, एक ईशोपनिषद का यहाँ पे श्लोक का वर्णन आया है, मंत्र नंबर 15। यहाँ कहते हैं हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस आप हितम मुखम तत्वम पुरुषन पावर पावरणी सत्य धर्माय दृश्यते। हे भगवान आप समक्ष
समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो जैसे हम सूर्य को देखने की कोशिश करते हैं तो क्या देख पाते हैं? सूर्य को नहीं देख पाते क्योंकि इतनी तेज आती है, आदमी ढक लेता है, ऐसे दिख नहीं पाता, इतनी लाइट आ रही, बोले कैसे देखें सूर्य को। तो वैसी भगवान की ना योग माया उनको, भगवान को ढक देती है, उनके स्वरूप को जो मिलता है, जो जानता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि भगवान का स्वरूप है क्या, कौन है, ये मनुष्य है कि स्वयं दिव्य पुरुष है, ये भगवान है ना। तो कोई नहीं समझ पाता भगवान के बारे में, बस भक्त समझ सकते हैं जिनके आंखों में प्रेम का अंजन है, जो प्रेम से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसमें कहा गया, ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों की अन्वेषण कर ले, किंतु आपने अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना नहीं करने में असमर्थ हैं। मतलब सामने हो लेकिन आपको कोई देख नहीं सकता। पूरे कण कण में वास करते हैं भगवान, हर कहीं हमारे सामने, हमारे अंदर, हमारे भीतर में। हमने देखा भगवान कहते हैं मैं जठराग्नि हूँ, रसों का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, है ना, फलों का रस मैं हूँ, हर चीज तो भगवान है, फिर भी हम भगवान को नहीं देख पाते। लोग क्लेम करते कहाँ है भगवान, दिखा तो दो हमको, हम देखें तब तो बिलीव करेंगे, बिना देखी हुई चीजों पे हम बिलीव नहीं करते। तो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो ज्यादा तर्कवादी होते हैं ना, वो लोग खाली तर्क देते रहते हैं कि भगवान है कहाँ कहाँ है, लेकिन भगवान हर कहीं है। सूर्य का प्रकाश जैसे हर कहीं है, वैसे भगवान भी हर कहीं है, ठीक है। और इसमें भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं अपितु अव्यय भी हैं, वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय है। अव्यय मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, अव्यय। भगवान का ईशोपनिषद का स्तुति श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब भगवान पूर्ण है, पूर्ण से निकलने वाली चीज जो रहती है वो भी पूर्ण रहती है, पूर्ण से निकल गई पूर्ण चीज, बाकी जो रह गई वो भी पूर्ण है। भगवान कभी भी कम नहीं होते हैं, लेकिन देवता कम होते हैं। देवताओं का क्षणिक होता है पुण्य, वो जो देते वो क्षणिक रहते हैं, लेकिन भगवान का कभी भी क्षणिक नहीं रहता, हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने आप को ढक लेते हैं योग माया से, है ना। किसी का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो या कुछ रियलाइजेशन हो तो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये मैं एक चीज कहना चाहता था प्रभु जी, जैसे कि अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ना कि क्या पढ़ा, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे, बट कौरव और भीष्म पितामह के अतिरिक्त उनको कोई पहचान नहीं पाया, इवन दुर्योधन भी उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस समय मतलब ये जो माया दिखाना, चमत्कारी ढंग करना या फिर सिद्धि प्राप्त करना, हवा में चलना या फिर अग्नि प्रकट करना, ये सब नॉर्मल चीजें थी। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को धोखा होता था कि ये तो माया भी है, ऐसा उसका भाव रहता था। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा प्रभु जी, मतलब भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर जब वो इस धरा धाम में थे, जब फिर गोलोक धाम को जाए, उसके बीच तक उन्होंने ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की अकल्पनीय अविश्वसनीय, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो भगवान थे। उसमें से मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा शॉर्ट में, जब वो संदीपनी के आश्रम गए थे, उन्होंने 64 दिन में विद्या ग्रहण किया, तत्पश्चात जब वो अपने घर को जाने वाले थे तो उनके गुरुओं ने गुरु दक्षिणा मांगने कहा, तो गुरु माता के पास जाते हैं, प्लस गुरु के पास जाते हैं तो दो बार बोलते हैं कि गुरु माता है ना,
मैं अब शिक्षा प्राप्त कर लिया हूँ, अपने घर के जाऊंगा, तो जाने से पहले जैसा एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि मैं गुरु दक्षिणा दूं, तो आप भी मांगिए। तो गुरु माता अस्वीकार करते, नहीं तू तो मेरा लाला है, तू मेरा बेटा है, ये सब नहीं लगेगा। तो भगवान फिर बोलते हैं कुछ मांग ले, तो फिर गुरु माता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, पुत्र मैं जो मांगूंगी ना, वो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं दे सकता। तो कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा क्या चीज है माँ जो मैं नहीं दे सकता, एक बार मांग के देखो। तो भगवान कृष्ण उनको वचन देते हैं, गुरु माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जो भी मांगोगे ना मैं उसको पूरा करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो फिर गुरु माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, यार ये क्या बोल दिया। तो बोलते हैं सुन, मेरा बचपन में एक बेटा था, वो समुद्र किनारे गया था किसी काम से, और संध्या काल में पता चलता है उसकी मृत्यु हो गई, मतलब सागर ने उसको मतलब अपना ग्रास बना लिया, मतलब वो मृत्यु को पा लिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे से बहुत लगाव करती हूँ, तो अगर वो मेरा बेटा दोबारा मिल जाता ना तो मैं बहुत खुश होती। तो भगवान कृष्ण बोलते बस इतनी सी बात। तो बोलते ठीक है, आप मेरे को कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं आपके बेटे को लेके आता हूँ। तो ये बोल के वो बलराम जी के साथ समुद्र तल में जाते हैं और उनकी खोजबीन करते हैं। खोजबीन कर रहे, उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक राक्षस था पंचजन्य, उसने उसको अपना ग्रास बना लिया है। तो पंचजन्य को वो मतलब बुलाता है, पुकारता है, भगवान कृष्ण उनसे युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में परास्त करते हैं उसको। फिर बोलता है तुम्हारे द्वारा मतलब ये जो गुरु माता के जो पुत्र थे वो मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो पंचजन्य को मार के उनका जो शंख है ना वो भगवान कृष्ण धारण करते हैं। अब चूंकि उनका शरीर तो वो खत्म हो गया, जीवात्मा भी नहीं है, तो ये सोच के फिर वो यमलोक जाते हैं। तो यमलोक जब जाते हैं तो यमदूत के जो रहते हैं उनको मतलब वहीं पर रोक देते हैं कि भाई आप नहीं जा सकते, आप मनुष्य हो। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मानव होते हुए भी पृथ्वी से करोड़ों खरोड़ों किलोमीटर दूर आप यहाँ कैसे आ गए, वो भी सा शरीर। तो बोलते हैं वो सब हम कुछ नहीं जानते, आप अपने महाराज को बुलाइए, मतलब यमदेव को बुलाइए। तो उनके बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। फिर जैसे तैसे उन लोग जाते हैं, तो उनके आने के पूर्व भगवान कृष्ण ने जो पंचजन्य जो शंख था ना वो बजाते हैं। तो वो जब बजाते हैं तो इतना कंबाइन वैन होता है, इतना कंपित होता है पूरा यम लोग। तब फिर यमराज को पता चल जाता है कि ये जो शंख है ना वो साधारण इंसान नहीं बजा सकता। तो वो आते हैं, तो फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है कि भाई अभी मैं अभी शिक्षा ग्रहण किया हूँ और मेरे को उसका उनका पुत्र चाहिए। तो यमराज बोलते हैं हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, मैं यमराज हूँ और मेरा काम रहता है कि जीवों का जो प्राण हरना। तो आप जो बोल रहे हो तो सही है, लेकिन मैं उसका केवल जीवात्मा दे सकता हूँ, क्योंकि शरीर प्रदान करना तो मेरे अथॉरिटी में नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, आप उसका जीवात्मा ही लौटा दो। तो यमराज जी ने जो गुरु पुत्र थे वो किसी दूसरे योनि में था, तो उस शरीर से उनको निकालते हैं और जीवात्मा को ज्योति स्वरूप में भगवान को प्रदान करते हैं। तो बोलते हैं ये ज्योति स्वरूप उनका जीवात्मा वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन शरीर तो कब का खत्म हो गया है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं उसकी चिंता मत कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने वो जीवात्मा ली और विद इन सेकेंड उनको एक नया शरीर प्रदान किया, मतलब गुरु माता के लिए एक नया शरीर प्रकट किया और जीवात्मा को उसमें प्रवेशित कराते हैं। फिर उनको सशरीर गुरु माता को एज अ गुरु दक्षिणा उनको प्रदान करते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि संसार का कोई भी साधारण आदमी जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब जिनकी चीता जल गई हो, मतलब उनको हमने तिलांजलि दे दिया हो, है ना, जो भी कर्म कांड कर लिया हूँ, और 10 साल बाद कोई कहे कि ये मेरे को चाहिए, ये मर गया था, ये लड़की अभी ये लड़के चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ने कर दिखाया, जो मर गया था उनको लाया, जीवात्मा लाया, और इवन उनके स्मृति को भी लौटाया। बट उनको ये ज्ञान था कि ये मेरे माता पिता है, बाकी कुछ स्मृति तो नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी कि हम ये जान सकते हैं कि ऐसा जो अकल्पनीय काम है भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो इसे प्रूफ होता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रभु जी ने कथा सुनाई कि भगवान कृष्ण कैसे अपने गुरु पुत्र को लेके आते हैं, सांदीपनि के पुत्र को वापस लाते हैं, बराबर है, यमराज से मंग के लाते हैं। तो भगवान तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता देवकी को भी तो लाके दिए थे ना उनके 6 पुत्रों को भगवान जी, जो वसु थे, 6 वसुओं को लेके आए थे ऐसा सुना है मतलब प्रभु जी, मतलब माता ने बोला तो उन्होंने उनके 6 पुत्रों को लेकर के आए जाके पाताल लोक से, फिर माता देवकी को दिया 8 पुत्रों में से।
मेरे को एग्जैक्ट ये वाली कथा नहीं मालूम है। तो मुझे भी थोड़ा ही सुना है प्रभु जी। हमारे गुरु जी बता रहे थे कि भगवान के अलावा कोई जो नास्तिक लोग कभी नहीं मानते, तो भगवान ने माता देवकी को भी किसे पुत्रों को लाके दिया, फिर छह वर्ष हुए फिर माता खुश हो गई, फिर उनको अपनी अपनी जगह दे दिया। अच्छा, हरे हरे कृष्णा। तो खैर राहुल प्रभु, यस प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दलो जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि योग माया के बारे में बताया गया है मूर्खों से, मतलब इसका तात्पर्य क्या है? मतलब जैसे अभी के डेट में हम समझे भगवान है और मतलब उस समय भी थे लेकिन लोग नहीं जान सकते थे उनको, तो मतलब अगर भगवान आए हैं और लोग उनको नहीं जान पा रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान मतलब अपने आप व्यक्त नहीं या जानना नहीं देना चाहते लोगों को, ऐसा है क्या? हाँ, जो अल्पज्ञ हैं, जो भगवान जो जिनकी स्थिति नहीं है भगवान को समझने की, भगवान उसके सामने आच्छादित रहते हैं। जो पापी होते हैं, जो अधम होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, भगवान उनके सामने अपने आप को ढके रहते हैं। यही बताना चाह रहे हैं। जैसे आज की डेट में भी बहुत से लोग हैं तर्क देते हैं भगवान नहीं थे, वो तो आदमी थे, उनको तो मार दिया गया था, वो तो बेचारे परेशान थे जीवन में, इस टाइप की लोग जो बातें करते हैं ना, तो भगवान उनके सामने आच्छादित रहते हैं, भगवान अपने आप को ढके रहते हैं। उनको वही लगता रहेगा आखिरी तक भी कि भगवान आदमी नहीं थे, वो आदमी थे भगवान नहीं थे, ऐसा लगता रहेगा। लेकिन जो भक्त रहेंगे ना, उनको पता पड़ जाएगा कि भगवान भगवान। ये बताना चाह रहे हैं, सरेंडर करेंगे तो भगवान अपने आप को रिवील कर देंगे कि मैं भगवान हूं और मुझे पहचानो, मुझे समझो। जो सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि अपनी अपनी सारी इंद्रियों पे उनको ज्यादा रहेगा कि मैं लॉजिक से समझूं भगवान को, ये प्राप्त करूं, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे समझा जाए, वो नहीं समझ पाएंगे भगवान। जी प्रभु, मतलब मैं देखा था तो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए थे कि वो आए हैं करके, जबकि आकाशवाणी हुई थी कि आने वाले हैं ऐसा करके। तो स्वयं उस पर कहानी भी आती है, जैसे अक्रूर जी ही जो उनके साथ थे वो उनको नहीं जान पाए कि... अक्रूर जी तो बहुत बड़े उनके भक्त थे, अक्रूर जी तो फिर भी थोड़ा जानते ही थे भगवान के बारे में, ऐसा नहीं जी, लेकिन जी, पूर्ण रूप से समझने के लिए पूर्ण श्रद्धा पूर्ण सरेंडर चाहिए भगवान को देखने के लिए समझने के लिए। प्रहलाद की तरह जो है ना, आदमी की इंद्रियां होनी चाहिए जो हर कहीं भगवान को देखे, हर कहीं भगवान पे सरेंडर की भावना रहे, जो हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बस मैं जैसा हूँ आपका हूँ प्रभु, जो भी मेरे पास है वो आप ही का है, मेरा कुछ नहीं, ये भावना रहेगी तब भगवान को धीरे धीरे हम समझ पाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जब भीष्म जी ने उनको समझ गए तो वो 12 महाजन में एक थे, इसलिए वो समझ पाए भगवान को। हाँ, वो तो बचपन से गंगा पुत्र है ना, वो तो देवव्रत थे, वो तो उनको तो सब मालूम था, तो फिर भी वो अपने कर्तव्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस लीला में थे ना, उनको कर्तव्य करने थे, वो जानते थे, विदुर जानते थे और कुंती माता जानती थी, और भी काफी सारे लोग थे जो भगवान को जानते थे कि भगवान है ये, लेकिन सब लोग नहीं जानते थे। तो कुछ लोगों के सामने भगवान अपने आप को ढक लेते हैं, कुछ लोगों के सामने रिवील कर देते हैं। तो जिनके सामने ढक देते हैं वो पापी अधम नराधम अज्ञानी लोग होते हैं, उनके सामने ढक देते हैं भगवान, ऐसा होता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्या गोपियां भगवान से इतना प्यार करती थी तो वो जानती थी क्या कि भगवान है? देखिए एग्जैक्टली तो हम ये नहीं बता सकते, प्यार ही था उनका, क्यों तो भगवान तो नहीं समझ सके, माता भी नहीं, बस माता यशोदा भी नहीं जान, जबकि वो पुतना को मार डाले भगवान बचपन में ही, गोवर्धन पर्वत उठाया 5-7 साल में, किसी को पता नहीं चला प्रभु जी, पर गोपियों का अथाह प्यार, उसका क्या मतलब था, किस कैसे प्यार करते थे भगवान? देखो क्या था, जो शास्त्रों में कहते हैं जो गोपियां थी ना, ये सब ऐसा था, पहले की बहुत बड़े भक्त ऋषि मुनि थे ये लोग। जब राम गए ना जंगलों में
तब बहुत से ऋषि मुनि भगवान को चाहते थे कि भगवान के साथ रहें, भगवान का संग मिले, है ना, और हमेशा भगवान का साथ मिले। तो भगवान ने कहा कि तुम जो है ना मेरे, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब मेरे साथ रहना, तब मैं तुमको प्रेम दूंगा और अपना आलिंगन भी दूंगा। तो सारे लोगों, सारे जो है ना ये ऋषि मुनि, ये गोपियों का रूप धारण करके ये लोग आए थे वृंदावन में, ऐसा कहते हैं। तो जैसे पूर्व चेतना के प्रभाव में आदमी नहीं पहले से किसी को बड़ा प्रसन्न करने लगता है, अरे नहीं यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बस मेरे को अच्छा लगता है। तो वैसा भाव था गोपियों का, पता नहीं क्यों बस कृष्ण ही कृष्ण है, पता नहीं क्यों कृष्ण ही है हमारे सब कुछ। तो ये भाव था। अब एग्जैक्टली उनको ये मालूम था कि नहीं था ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत प्रेम था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है माता जी, ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।